ओम नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7:30 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में 11:15 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, उत्साही, मजबूत शरीर वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे जातक संतोषी प्रवृत्ति वाले, धनवान, देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। अपने मन की बात को अत्यंत गुप्त रखने वाले, नीति एवं नियमों को मानने वाले, स्पष्टवादी, व्यावहारिक, उच्च पदों पर काम करने वाले, बातचीत में चतुर और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और राहु और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। 11:15 के बाद स्वाति नक्षत्र कायम हो जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के पूरे दिन में मंगल और राहु के नक्षत्रों का मिला जुला असर प्रत्येक जातकों पर पड़ता रहेगा, जिससे उत्साहजनक स्थिति कायम रहेगी। काम करने में मन लगेगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में अधिकारियों का सहयोग, उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। हालांकि समय समय पर राहु के नक्षत्र का फल मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देगा और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आज चंद्रमा की युति बुध, शुक्र, बृहस्पति के साथ बनी रहेगी, जिससे मानसिक रूप से रचनात्मक क्रियाशीलता और आर्थिक लाभ की प्रेरणा बनी रहेगी। दोपहर के बाद व्यावसायिक गतिविधियों पर सावधानी अपेक्षित है, साथ ही साथ अपने सामान के प्रति सचेत रहें। आज से माँ दुर्गा की 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा की पूजा, शक्ति स्वरूपा, आदिशक्ति, जगत जननी, माँ जगदम्बा की उपासना प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक निश्चित 9 तिथियों 9 नक्षत्रों के साथ 9 शक्तियों की पूजा करने का विधान चला आ रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किए और उन्होंने विजय प्राप्त की। सत्य अधर्म पर सत्य और धर्म की जीत का पर्व दशहरा के नाम से मनाया जाने लगा। माँ दुर्गा हमारे दुखों का नाश करने वाली हैं। हमारी दुर्गति को हर प्रकार से हरने वाली एकमात्र माँ दुर्गा ही हैं। ऐसी दुर्गति हारणी माँ दुर्गा की जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में राहु, शनि या किसी भी अन्य पाप ग्रहों से जीवन संघर्षमय हो गया हो, मनवांछित सफलता नहीं मिल पा रही हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो, इस नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित सफलता प्राप्त होती है। इन 9 दिनों की नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा चालीसा, बिंदेश्वरी चालीसा या नवार्ण मंत्र का जप या दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से संपूर्ण पाठ यथाशक्ति करना चाहिए। मन मुताबिक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से आज का दिन बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, मगर दोपहर के बाद साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। दोषारोपण की संभावना, भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव, माँ के स्वास्थ्य की चिंता और याददाश्त में कमजोरी संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी व संतान संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र राहु के नक्षत्र में चंद्रमा बुध और बृहस्पति के साथ 6वें भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त हो सकता है। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।
मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध तुला राशि में चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति के साथ हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के साथ नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी। हालांकि आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। बृहस्पति बुध और शुक्र की युति पाँचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। कुछ अतिरिक्त दायित्व के साथ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सकारात्मक प्रेरणा में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बनता है मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के पहले ले लेने चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही माता के स्वास्थ्य की चिंता, अनावश्यक मानसिक दबाव, मन में नकारात्मक विचारों का उठना भी संभावित है। सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा बुध और शुक्र की युति आपके तीसरे भाव में बनी हुई है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रिश्तेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और मनः स्थिति को संतुलित रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरा बीतेगा। हालांकि रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा मगर मन को स्थिर रखने का प्रयास करें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है मगर आत्मविश्वास में कमी, अपव्यय और अनावश्यक चिंता भी संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या खोने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और भाइयों के सहयोग से रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। नई कार्य योजनाओं में विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी मगर वाणी की मृदुलता बनाए रखें। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी। भाग्यवश काम पूरे होंगे और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ व्यतीत होगा।
अपनी योजनाओं का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करते रहेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। साझेदारी से अतिरिक्त आय संभव है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मगर स्वास्थ्य और संतान संबंधी चिंता प्रभावित कर सकती है और किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का मुद्दा न उठने दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्ययोजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में भ्रम और रुकावट की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा बुध शुक्र व बृहस्पति के आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।